हेलो दोस्तों, तो इंस्पायरिंग थिंग से मैं हूं आपका दोस्त अनुज। और मैं एक नया टूर प्लान करने वाला हूं जो कि है देवोक भूमि उत्तराखंड का टूर। इस टूर में हम लोग चार धाम यात्रा को कवर करेंगे और इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम कम से कम कितने दिन में चार धाम यात्रा को कवर कर सकते हैं बाइक से। तो हमारी बाइक पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और हमारा पैकिंग का सामान भी टोटल एक जगह कलेक्ट हो चुका है। तो आइए अब लोग आप लोगों को सारा सामान दिखाते हैं कि हम लोग इस टूर में क्या क्या कैरी कर रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हम लोगों का पूरा सामान है, और ये हमारा राइडिंग जैकेट, इधर हेलमेट, ये हमारा बैग है और ये हमारा एक और बैग है, और इधर कुछ क्लॉथ्स हैं, ये मेरा हैंड ग्लव्स है प्रो बाइकर का, और ये हमारे वुलन हैंड ग्लव्स है, कुछ गोप्रो के माउंट्स है, ये कुछ हमारे राइडिंग गियर्स हैं जो कि नी गार्ड्स है, इधर गोप्रो है, कुछ सनग्लासेस हैं, कुछ सॉक्स हैं, कुछ सेलो टेप्स हैं, पावर बैंक है, कुछ नोटबुक है, रेनकोट है, बारिश होने पर काम आएगा, ये टॉर्च है इमरजेंसी के लिए, इधर हमारा DSLR है, इधर कुछ फ़ोन्स हैं, मेडिकल हैं, मेडिकल के किट्स हैं, चार्जर्स हैं, ये USB लाइट है। तो गाइस यही हम लोग का टोटल सामान रहेगा, इसमें कुछ हम लोग थोड़ा बहुत सामान और ऐड करेंगे और इसकी टोटल पैकिंग अब हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। गाइस अभी समय हो रहा है सुबह के 5:40 और हमारा टूर स्टार्ट हो गया। ये ट्रिप सोलो रहने वाला है तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। ये पूरे 8-10 दिन में बहुत मज़ा करने वाला हूँ, बहुत ड्राइविंग करने वाला हूँ, जो कि मेरा बहुत दिन से मन था चार धाम यात्रा कवर करने का, जो कि अब पूरा हो रहा है। आता ये अगर यहाँ से हम राइट जाएंगे तो कोलकाता जाता है ये रोड, और ये रोड सीधे दिल्ली जाता है, तो हम लोग को अभी दिल्ली वाले रोड पर चलना है। तो हम लोग अभी मुड़ चुके हैं। चचा हेलमेट तो पहन लो। यहाँ से 1-2 किलोमीटर रोड लगभग ख़राब है और उसके बाद फिर हम लोग GT रोड पे मिल जाएंगे। गाइज ये जो टोल प्लाजा देख रहे हैं ये बनारस शहर में इंटर करने के लिए टोल प्लाजा है, और हम लोग अभी बनारस शहर में इंटर कर रहे हैं। अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे। गाइस देखिए फास्टैग होने के बाद ही कितनी लंबी लाइन है। तो गाइस अभी हम लोग इधर फंस चुके हैं और यहाँ पे बहुत जाम है। ये मुझे पता नहीं है कौन सी जगह है लेकिन इधर बहुत जाम है, और गूगल मैप में पूरा रेड रेड दिखा रहा है। बहुत लोग तो वापस चले गए लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ और मैं इधर उधर गली में घुस नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं इसे ऐसे इसी से रोड से चलता हूँ।
अभी क्या है, बैग के कारण मैं बहुत ज़्यादा अपने बाइक को भी नहीं हिला सकता, तो हैंडल को पूरा मोड़ नहीं पा रहा हूँ बैग के कारण। तो और भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कटिंग करने में, NH में तो उतना कटिंग नहीं होता है, लेकिन गाइस ये कितना लंबा जाम है, बाप रे। गाइस अगर मैं जाम में फंसा तो मुझे रात हो जाएगा कानपुर पहुंचने में। शिट 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 शिट, ओ भाई जाम नहीं जाम नहीं जाम नहीं जाम नहीं भाई, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो गाइस बहुत लंबा जाम दिख रहा है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पास हो रही है, तो हम लोग देखते हैं अभी। गाइस अगर हमें कुछ चीज़ लेट कर सकती है तो जाम और एक्सीडेंट ही है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी कोई जाम में फंसे। बहुत बोरिंग काम होता है ये जाम में फंसना। सो मिर्जापुर गाइस, मिर्जापुर मिर्जापुर मूवी मिर्जापुर। तो गाइस आज हम लोग मिर्जापुर नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग कानपुर जा रहे हैं। मिर्जापुर यहाँ से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं, और कानपुर सीधे। तो हम लोग कानपुर जाएंगे। हम लोग को ओवरब्रिज लेना था, मगर ओवरब्रिज बंद होने के कारण हम लोग नहीं ले पाए और इधर शहर में आ गए हैं। पहना था हेलमेट, आगे वाले भी नहीं पहना था। तो गाइस सूरज अब ढलने लगा है और बज चुका है 4:30। हम लोग अभी लखनऊ हाईवे पे हैं, ये है NH 30। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये हाईवे, इस तरह से ऊपर सूरज है, बगल में पेड़ है। एक प्रॉपर गाड़ी चलाने का असली मजा यही है, सुकून होना चाहिए। इधर से हाईवे इन्होंने वन वे कर रखा है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस लेन में, इसलिए। तो गाइस ये एक एग्जिट है, जो कि ये सीधे रोड कानपुर चल जाती है, जो कि NH 19 है, और ये साइड से जो एग्जिट है ये एग्जिट जाता है लखनऊ की तरफ और इलाहाबाद की तरफ। तो हम लोग को ये एग्जिट लेना है अभी। तो वो सूरज देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रेड है, पता नहीं कैमरे में कितना वो कैप्चर हो रहा है उसका कलर, लेकिन वो पूरा रेड है एकदम। और लगता है 5:30 बज गए हैं और शरीर एकदम जवाब देने लगा है और दिमाग भी थक गया, अब लग रहा है कि कहीं सोना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं गाड़ी रुक के यहीं पर सो जाऊँ, लेकिन लखनऊ पहुँचना है किसी भी हालत में, नहीं तो कल का टूर बहुत लंबा हो जाएगा। और लखनऊ यहाँ से 148 किलोमीटर रह गया है। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बजे हैं और
लखनऊ यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। ये रास्ते में कुछ पुलिस वाले खड़े थे और वो जाने से इधर मना कर रहे थे क्योंकि आगे में एक पुल टूटा हुआ है, तो उसके कारण हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन जब मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कि सर मैं दूर से आया हूँ, इधर गांव के रास्ते से भुला जाऊँगा, तो वो बताया कि बगल के गांव से ही एक नहर है, उससे एक रास्ता गुजरा है, तो वहाँ से आप जा सके तो आप चले जाइए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके इधर घुस गया हूँ। अभी देखिए क्या होता है, जा पाता हूँ कि नहीं जा पाता हूँ पता नहीं, लेकिन अगर जा पाया तो बहुत टाइम बच जाएगा, और नहीं जा पाया तो फिर वापस आऊँगा। आगे पुल टूटा हुआ है क्या? अच्छा, तालाब वाला रास्ता किधर है जो तालाब से जाते हैं? नहर वाला ये है? वो लोकल लोगों ने बोला कि इधर से जाने को, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत रात का समय बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता, और चूंकि सोलो भी हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क लेना सही नहीं है। अगर मैं दो लोग रहता तो मैं पक्का घुस जाता, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के देख लेता। इस रात में अगर फॉग लाइट अच्छा हो और गाड़ी की लाइट अच्छी हो तो ड्राइविंग करने में कितना मज़ा आता है, ठंडा ठंडा। लेकिन उसके लिए सड़क भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में अगर ख़राब रास्ते में जाएंगे तो मन पूरा कचकच होने लगता है, क्योंकि आपने दिन भर का ड्राइविंग किया होता है तो मन नहीं करता ख़राब रास्तों पर ड्राइव करने का। लेकिन अगर ऐसे प्लेन रास्ते हो गाइस ना, तो बहुत मज़ा आता है। मम्मी ने बोला था रात को ड्राइव नहीं करने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ड्राइव करनी पड़ेगी, नहीं तो कल ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचने के बाद हमको और भी बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा, 70-80 किलोमीटर, और इसलिए अभी अगर मैं कवर कर लेता हूँ और कल सुबह को निकल जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। कल हरिद्वार जल्दी पहुंच के हरिद्वार भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ कवर करने का, घूमने का। गाइस तो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। ये देखिए NH-24B लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है, यानी कि अब लखनऊ में पहुंच गए हैं भाई ये। और गाड़ी अभी तक चल चुकी है 737 किलोमीटर, तो ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं। गाइज आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ और हम लोगों ने होटल बुक कर दिया है, और होटल यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आइए चलते हैं शहर के अंदर और देखते हैं। लखनऊ घूमने का मेरा बहुत मन है, लेकिन मैं घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि कल मुझे जल्दी निकलना है, अर्ली मॉर्निंग निकलना है इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब हरिद्वार से वापस आऊँ तो वापस आते समय लखनऊ में ही स्टे करूँ, और लखनऊ जिस दिन आऊँ उस दिन हाफ टाइम के लिए लखनऊ घूमूँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। ओ भाई स्टॉप था, सॉरी, मैंने सिग्नल जंप कर दिया यार, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बात करने में बिजी था।
आप लोगों से और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जंप कर दिया सिग्नल। ऐसे मेरी गलती तो है, साथ में और सब लोगों की गलती है, क्योंकि सब लोगों ने जंप कर दिया था सिग्नल, इसलिए मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं जब आधा क्रॉस हो गया तो मैंने ऊपर देखा कि ऊपर स्टॉप था, रेड सिग्नल था। गाइस तो 11 किलोमीटर्स, तो 11 किलोमीटर्स दिखा रहा है कि 24 मिनट में आप तय करेंगे, तो देखते हैं। तो बस जल्दी से खा पी के यार सो जाऊं बस, अब बहुत लेट हो गया। तो गाइज आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।